हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में निकली वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसी निकली है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, और वैकेंसीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू। एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2022, और यहाँ पर वैकेंसीज़ जो हैं पोस्ट वाइज बात करेंगे तो पहली जो वैकेंसी है वो है इंटीग्रेटेड रिहेबिलिएशन सेंटर फॉर फीमेल ड्रग एडिक्ट भुंतर में। लेडी डॉक्टर की एक वैकेंसी, 60,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। एमबीबीएस आपने जो है वो किया होना चाहिए। दूसरा जो वैकेंसीज़ हैं वो है आदर्श डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिएशन सेंटर कुल्लू में। पहली वैकेंसी है रिहेबिलिएशन साइकोलॉजिस्ट की एक वैकेंसी। एमफिल रिहेबिलिएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिएशन साइकोलॉजी किया होना चाहिए। 24,600 रुपये इसमें सैलरी रहेगी। सीनियर प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स की एक वैकेंसी है। बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए आपने। सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट की एक वैकेंसी है। बैचलर्स किया होना चाहिए ऑडियोलॉजी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, या फिर बीएससी इन स्पीच एंड हियरिंग किया होना चाहिए। मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर की एक वैकेंसी है। 17,400 रुपये सैलरी रहेगी। मैट्रिकुलेशन किया होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए मोबिलिटी में। नेक्स्ट है ट्रांस डिसिप्लिनरी स्पेशल एजुकेटर की दो वैकेंसीज़। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन, या फिर बैचलर्स किया होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन, या फिर बीएड किया होना चाहिए हियरिंग इम्पेयरमेंट में। और दूसरा डिप्लोमा किया होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन इन वीआई आईडी सीपी एएसटी एमडी डीबी और एसएलडी। अर्ली इंटरवेंशन थेरेपिस्ट की है एक वैकेंसी, जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने। डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए अर्ली इंटरवेंशन में, या फिर बैचलर इन मेंटल रिटार्डेशन, या फिर बैचलर इन रिहैबिलिटेशन साइंस, या फिर मास्टर इन रिहैबिलिटेशन साइंस, या फिर मास्टर इन साइंस इन अर्ली इंटरवेंशन। नेक्स्ट वैकेंसी वोकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। डिप्लोमा किया होना चाहिए वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, या फिर एडवांस्ड डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग किया होना चाहिए, या फिर बैचलर्स ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस किया होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है केयर गिवर की एक वैकेंसी। 7,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास केयर गिवर RCI का, या फिर केयर गिवर नेशनल ट्रस्ट का, और या फिर क्लास 8th पास होने चाहिए, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर गिविंग ऑफ PWDs। तो ये थी आपकी वैकेंसीज़। 18 से 45 आपकी एज होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 200 रुपये, जो कि डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में पे करनी है इन फेवर ऑफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू, पेबल एट पंजाब नेशनल बैंक थालपुर ब्रांच कुल्लू, और ये फ़ी नॉन रिफंडेबल रहेगी। अब यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटीज़ की बात करें या अदर इंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो कैंडिडेट जो होंगे उनको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा जो फॉर्मेट इनमें दिया है उस फॉर्मेट पे, साथ ही साथ डिमांड ड्राफ्ट भी सबमिट करना है, साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की। एड्रेस रहेगा टू द सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स कुल्लू 175101 हिमाचल प्रदेश। लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचने की 12 दिसंबर 2022। साथ ही साथ बताया गया है कि जिन कैंडिडेट ने पहले ही एप्लीकेशन सबमिट कर रखे हैं इन पोस्ट के लिए, जो एडवर्टीजमेंट नंबर जारी किया गया था 2/2022 13 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था, और 14 अक्टूबर 2022 को ये जारी किए गए थे पहले नोटिफिकेशन, तो जिन्होंने पहले ही एप्लीकेशन सबमिट कर रखे हैं उनको दोबारा से ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की। सिलेक्शन प्रोसीजर इस आप पूरी जो PDF है इसमें देख सकते हैं। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्मेट की, तो इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा जो कि आपको इसी PDF में मिल जाएगा। तो ये था आज की सब वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।